प्रतीकात्मक फोटो नई दिल्ली। देश की मार्च महीने की थोक मूल्य आधारित महंगाई दर WPI में फरवरी के मुकाबले मामूली गिरावट आई है। मार्च में थोक महंगाई दर 2.47% रही है, वहीं फरवरी 2018 में यह दर 2.48% थी। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2017 में WPI महंगाई दर से दोगुनी से भी अधिक 5.11% थी। इससे पहले खुदरा महंगाई दर में कमी दर्ज गई थी। खाने पीने की चीजों के दाम में राहत के कारण मार्च में खुदरा मुद्रास्फीति की दर घटकर 4.28% रही, जो फरवरी 2018 में 4.44% पर थी। आधिकारिक आंकड़े गुरुवार को जारी किए गए थे। साल दर साल आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI हालांकि पिछले महीने उच्च स्तर पर रही, क्योंकि 2017 के मार्च में यह 3.89% पर थी। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक CPI मार्च में 2.81% पर रही थी, जबकि फरवरी में यह 3.26% पर थी। पिछले हफ्ते भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में चालू वित्त वर्ष के लिए मुद्रास्फीति की दर 4.7% से 5.1% के बीच रहने और वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में इसे 4.4% रहने का अनुमान लगाया है। RBI ने वाणिज्यिक बैंकों के लिए अल्पकालिक ऋण दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया था। हिंदी न्यूज से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook और Google+ पर ज्वाइन करें, Twitter पर फॉलो करें।